अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक दफ़ा फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? व्हाट इज़ अप? आज की वीडियो एज यू गाइस वुड हैव रेड फ्रॉम द टाइटल इज़ गोइंग टू बी अबाउट एलिज़म ब्यूटी। पाकिस्तानी ब्रांड है, इट इज़ एन इमर्जिंग ब्रांड। दे सेंट मी अ कपल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। आई हैव बीन यूजिंग देम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड यू वुड हैव एक्चुअली सीन मी यूजिंग देम इन माई प्रीवियस वीडियोज़। जैसे कि मैं इनका फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू ब्रश सेट विच दे हैव सेंट मी और उसको भी मैं आज की वीडियो में रिव्यू करूँगी, इनके फाउंडेशन, सिरम एंड आल्सो लिप शेड। लेट्स जस्ट गेट इनटू द ट्यूटोरियल। मैंने अपनी स्किन ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर ली है और लिप्स के लिए आई एम यूजिंग दिस माना ब्यूटीज लिप बाम विच इज़ क्वाइट हाइड्रेटिंग। एलिज़म ब्यूटी के दो सिरम्स हैं, एक लग्जूरियस ब्यूटी ऑयल विच इज़ for people with dry skin and Elysium Glow Serum which is for people with oily skin. पहले बात करते हैं Elysium के luxurious beauty oil की। जैसे मैंने कहा ये dry skin के लिए बहुत अच्छा है, उसे बहुत अच्छे से moisturize करता है। आप as a primer भी इसको use कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको अपने foundation में add करूँगी like 1 to 2 drops, क्योंकि मेरी skin oily है तो मैं इसका ज़्यादा use नहीं करती। सेकेंड सिरम एलिज़म का इस कॉल्ड ग्लो सिरम और ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है जो कि मेरी स्किन है। इसका फॉर्मूला थिक विस्किस सा है जो कि क्विकली आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको सॉफ्ट और फ्रेश फील करवाता है, बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीजी इफेक्ट नहीं देता। ये प्राइमर मॉइस्चराइज़र दोनों के तौर पर यूज़ हो सकता है एंड इट हैज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग फ्रेगरेंस टू इट। वट एवर योर स्किन टाइप इज़ यू कैन चूज़ द सिरम अकॉर्डिंगली। मैं ग्लो सिरम यूज़ करने लगी हूँ एज अ प्राइमर। You know when people with oily skin use foundations, those are matte. और matte foundations skin को काफ़ी dry कर देते हैं, एक dull सा look देते हैं। But with this glow serum, you get a glow from within और ये आपके makeup को in the end काफ़ी glowy look देता है। Guys, अब try करते हैं इनके brushes। इन्होंने मुझे दो sets भेजे हैं, एक face brush है और एक eye brush set है इनका। मैं इसको पहली दफ़ा try करने लगी हूँ आज और ये इस तरह के पाउच में मुझे रिसीव हुए थे। ये 6 ब्रशेस जो हैं, दीज आर द फेस ब्रशेस। ऑल दीज ब्रशेस हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टर्डी वुडन बिल्ट। इनके ब्रिसल्स आर एक्सट्रीमली सॉफ्ट जो कि आपके हाई एंड एक्सपेंसिव ब्रश सेट्स के होते हैं। इस ब्रश को मैं एज अ ब्लश ब्रश यूज़ करूँगी। इट इज़ नाइदर टू थिक डेंस एंड नाइदर टू थिन, सो दिस इज़ अ परफेक्ट ब्रश फॉर अप्लाइंग ब्लश। Next up we have this angled brush and you can use it to apply your powder contour with. Now we have a blending powder brush and a flame brush. मैं flame brush को use करूँगी loose powder लगाने के लिए underneath my eyes. आप इसको किसी भी powder की application के लिए use कर सकते हैं, contour shades, blush, etc. Again you can use this one for powders but मैं इससे foundation apply करूँगी। नेक्स्ट अप आर दीज टू ब्रशेज। फ्लैट ब्रश को मैं लूज़ पाउडर को हटाने के लिए यूज़ करूँगी और ये जो एंगल्ड सा है इससे मैं अपना क्रीम कॉन्टोर ब्लेंड करूँगी। लेट्स जंप ऑन टू देयर फाउंडेशंस। इनके फाउंडेशन हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। मेरे पास दो शेड्स हैं, नेचुरल एंड आइवरी। मैं नेचुरल यूज़ करूँगी क्योंकि आइवरी मेरी स्किन पर लाइट है। ये पम्प के साथ आता है, ग्लास बॉडी है, वेरी ईजी टू यूज़ दिस फाउंडेशन। मैं इसके अंदर मिक्स करने लगी हूँ अपने ऑयल के ड्रॉप्स, एलिज़म ब्यूटी ऑयल जो है, और थोड़ा सा एट द बैक ऑफ माई हैंड मैं इसको ले लूँगी, ब्लेंड करूँगी और अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। और जो ब्रशेज़ मैंने आपको भी दिखाए हैं उसकी हेल्प से हम आज का सारा मेकअप करने लगे हैं। गाइज, एज यू कैन सी मैंने ब्रश से अपना फाउंडेशन पिक कर लिया है। इसे मैं एट द सेंटर ऑफ माई फेस पहले अप्लाई करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं ब्लेंड आउट करूँगी। ब्रिसल्स इस ब्रश के, आई एम अमेज्ड, वर सो सुपर सॉफ्ट दैट आई लव्ड इट। अक्सर ब्रशेस अंडर आई एरिया में यूज़ करते हुए मुझे चुभते हैं, बट दिस बीइंग सुपर अमेजिंग क्वालिटी डिड नॉट फील हार्ड एट ऑल। गाइज, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द फाउंडेशन ऑनटू योर नेक एज वेल। अगर आपको फील होता है दैट यू नीड मोर ब्लेंडेबिलिटी, यू कैन गो ओवर योर फाउंडेशन विद अ ब्यूटी स्पंज। आई लव द ब्रश एंड आई विल गिव इट अ 9/10। वंस माई फाउंडेशन इज़ ब्लेंडेड, नेक्स्ट आई विल यूज़ दिस मिस रोज का लिक्विड कंसीलर। इसको मैं अंडर आइज़ अप्लाई करूँगी, चिन पे, ऑन माई क्यूपिड्स बाउ, नोज एंड द फोरहेड, जहाँ पर मैं हाईलाइट और कंसील करना चाह रही हूँ, एंड विद माई ब्यूटी ब्लेंडर आई विल ब्लेंड इट ऑल इन। नेक्स्ट आई विल यूज़ दिस क्रीम कॉन्टोर एंड ट्राई एक डिफरेंट किस्म की कॉन्टोरिंग ऑन माई फेस जस्ट टू टेस्ट आउट हाउ इट लुक्स। और मैं एंगल्ड ब्रश यूज़ करूँगी जो कि थोड़ा सा डेंस है एलिज़म ब्यूटी का, टू ब्लेंड इट ऑल आउट। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस थिकर एंगल्ड ब्रश फॉर माई क्रीम कॉन्टोर।
जो पतला वाला एंगल्ड ब्रश है आप उसको पाउडर कॉन्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस वन ब्लेंडेड इट रियली नाइसली। गाइस अभी मैं अपनी नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए आई ब्रश सेट में से ये एंगल्ड सा ब्रश लेने लगी हूँ और इससे मैं अपनी नोज़ को कॉन्टोर करूँगी। एंड आई वॉज अमेज एट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ब्रश, इट इज़ बॉम्ब। नेक्स्ट मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का रेवोल्यूशनरी लूज सेटिंग पाउडर लूँगी इन द शेड बनाना और उसका पफ यूज़ करके मैं अपने पूरे फेस को स्लाइटली सेट कर दूँगी। नेक्स्ट टाइम यूजिंग बेनिफिट का हुला ब्रॉन्जर और फ्लैट वाला एंगल्ड ब्रश लेकर मैं इससे कॉन्टोर करने लगी हूँ। आप इसे एज अ ब्लश ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फिर से एंगल्ड ब्रश यूज़ किया है आई सेट में से और इससे मैं अपनी नोज़ को पाउडर कॉन्टोर करने लगी हूँ। नेक्स्ट आई एम गोइंग बैक विद दिस डोम शेप्ड फ्लैट ब्रश और इससे मैं लूज पाउडर को अप्लाई करने लगी हूँ अंडरनीथ माई आईज एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू बेक माई फेस विद इट। आई ब्रश सेट में से मैं ये फ्लैट ब्रश लेकर अपने नोज का सेंट्रल पार्ट बेक कर रही हूँ। गाइस बिफोर जंपिंग इनटू द आई मेकअप लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट देयर आई ब्रशेस। दीज आर 9 इन नंबर और मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी यूज करते हुए कि मैं कौन सा ब्रश यूज कर रही हूँ। Again, these brushes have a wooden, sturdy, strong build with the softest bristles. This is a blending brush. Pehla brush main inka flat angled brush use karne lagi hu to fill in my brows. Is brush ne product bahut acche se pick kar liya tha, mujhe baar baar product uthane ki zarurat nahi padi thi aur isne mere brows ko kafi acche se fill in kar liya shape ke sath. Guys, I will make use of this small flat brush to clean my brows with. वैसे मुझे ज़रूरत फील नहीं हो रही but just to show you guys how this brush works, मैं इसको use कर रही हूँ brows को neat करने के लिए। Next, मैं ये fluffy brush use करने लगी हूँ ताकि जहाँ पर मैंने concealer लगाया है मैं उसको अच्छे से skin में blend कर सकूँ। आप एक sponge भी use कर सकते हैं but this brush makes it more precise. After I'm done blending, I'll use the same fluffy brush onto my eyes और इससे मैं एक पीच से कलर की बेस अप्लाई कर रही हूँ। मैं एनेस्थाजिया बेवरली हिल्स की मॉडर्न रेनेसांस पैलेट यूज़ कर रही हूँ इस टाइम। नेक्स्ट मैं ये प्रिसाइज स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेने लगी हूँ और इससे मैं एक डार्कर ब्राउन कलर उठाऊँगी और इसको अपने आउटर क्रीज में पैक करूँगी और स्लोली स्लोली ब्लेंड भी करूँगी। ब्रश काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट को पिक करके अप्लाई कर रहा है। जब मैंने इसको अप्लाई कर लिया मैं फिर से फ्लफ़ी वाला ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और इस शेड को अच्छे से अपनी पूरी लिड के ऊपर ब्लेंड कर दूँगी। अगेन आई विल यूज़ द स्मॉल प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश और इससे मैं एक ब्राइटर रेड सा शेड पिक कर रही हूँ। इसको मैं अपने आउटर क्रीज में फिर से लगा के ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से ऑल ओवर ब्लेंड कर रही हूँ। आप इस ब्रश की ब्लेंडिंग पावर देख सकते हैं, काफ़ी जल्दी से ये सारे आई शेडो को ब्लेंड कर देता है इसके बड़े साइज़ की वजह से एंड काफ़ी इवनली मेरा आई शेडो ब्लेंड हो चुका है। मैं दोबारा से वही स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश अपनी लोअर लैश के ऊपर यूज़ कर रही हूँ। जो शेड इस पर ऑलरेडी लगा था द सेम शेड और थोड़ा सा ब्राउन शेड मैंने और ले लिया है और मैं अपने लोअर लैश लाइन पर इसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा आई लुक कम्प्लीट लगे। नेक्स्ट टाइम पिकिंग अप दिस डार्केस्ट ब्राउन ब्लैक से शेड फ्रॉम माई पैलेट, छोटे ब्रश से उसको अप्लाई किया और अब बड़े ब्रश से मैं इसको भी अपनी क्रीज में ब्लेंड करने लगी हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करने लगी हूँ ये फ्लैट एंगल्ड सा ब्रश, इससे मैं एक मैट शेड अप्लाई कर रही हूँ ऑन द इनर पार्ट ऑफ माई आईलिड और इसको मैं आगे तक स्प्रेड करूँगी। ब्रश का एंगल काफ़ी अच्छा होने की वजह से मैंने काफ़ी इजीली ये शेड अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट मैं लैशेज अप्लाई करूँगी एंड माय आई लुक विल बी कंप्लीटेड। आई ऑलमोस्ट यूज्ड ऑल देयर ब्रशेज एक्सेप्ट अ फ्यू एंड आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ द फ्लफ़ी ब्रश टू रिमूव माई लूज पाउडर नाउ। नेक्स्ट मैं इस फ्लफ़ी ब्रश से कलर पॉप का ब्लश और हाईलाइटर दोनों यूज़ करूँगी। हाइलाइटर के लिए मैं गोल्डन रोज का ब्रश यूज़ करने लगी हूँ। आप इनके आई शेडो का फ्लफ़ी ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं पर क्योंकि उसके ऊपर अभी आई शेडो लगा हुआ था सो आई मेड यूज़ ऑफ दिस ब्रश इंस्टेड एंड आई एम यूजिंग द फ्लैट ब्रश टू अप्लाई माई नोज हाईलाइट।
मैं इलेजन ब्यूटी के लिक्विड मैट लिपस्टिक्स यूज़ करने लगी हूँ. दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल शेड्स एंड आई विल बी यूजिंग दीज टू शेड्स कोको एंड पीची की. आई विल बी मिक्सिंग दीज टू शेड्स एंड वन मोर थिंग अबाउट दीज मैट लिक्विड लिपस्टिक्स इज दैट दे आर नॉट एट ऑल ड्राइंग ऑन द लिप्स. जैसे कि बहुत ज़्यादा मैट लिपस्टिक्स आपके लिप्स को क्रस्टी एंड ड्राई कर देते हैं. अगर आप लिप बाम यूज़ करें तो ये ज़्यादा परफेक्टली अप्लाई करेंगे. दीज आर ट्रांसफर प्रूफ, लिक्विड प्रूफ एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग. दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज. और अभी मैं देने लगी हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में मेरा फाइनल वर्डिक्ट. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके सिरम से. यू सॉ इट मॉइस्चराइज्ड माई स्किन. द फाउंडेशन अप्लाइड सो मच नाइसर ऑन टॉप. इनका जो ऑयली वाला था लग्जूरियस ब्यूटी ऑयल, वो मैंने अपने फाउंडेशन में मिक्स कर लिया था. अदर देन दैट अबाउट द फाउंडेशन, यू सॉ हाउ इट लुक्स ऑन टू माई स्किन. आई हैव बिन वेयरिंग इट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स नाउ एंड आई हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम्स. समर्स में भी ये बहुत अच्छा अप्लाई होता है, विंटर्स में भी. और इनिशियली जब मुझे ये फाउंडेशन मिला था तो ऑल आई कुड यूज़ वॉज दिस वन. आई लाइक इट सो मच. इट इज़ एन अमेजिंग फाउंडेशन एंड आई वुड रेट इट इन 8/10. द ब्रशेज, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड. When I saw their eye brushes, because there wasn't like a lot of blending brushes or flat, you know, round brushes that we usually see in an eye brush set, I was a bit skeptical कि ये किस तरह perform करेंगे eyes पे, eye makeup apply कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. But after using like this brush, it did the job, even though it's like a big fluffy brush, but it did the job really nicely. I would basically rate an 8/10 just because iske andar zyada blending brushes nahi hai. Price point ke lihaz se these brushes are very cheap, easily available in Pakistan. So if you are looking for affordable brushes that perform well, jo ke soft hain, aapko kafi arsa jo hai wo last karenge. Ek dafa phir mere camera ne recording beech mein hi stop kar di kyunki charging battery ki khatam ho gayi thi. So I just quickly charged it. Coming back towards the brushes, face brushes completely recommended. Eye brushes आप देख लें. अगर आप इस तरह की यूनिक स्टाइल्ड ब्रशेस के साथ आई मेकअप अप्लाई कर सकते हैं सो डेफिनेटली गेट देम, क्योंकि ब्रिसल्स और इसकी जो परफॉर्मेंस थी आपने मेरी आंखों पे तो देख ही ली होगी कैसे हुई. तो मुझे तो बहुत पसंद आई हैं. तो बाकी आप खुद डिसाइड कर लें अगर आपने लेने हैं. अदर देन दैट गाइज, आप इनका कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, यू कैन यूज़ माई कोड विच इज़ FH10 एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ 10% ऑफ ऑन योर कम्प्लीट ऑर्डर. या इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट पे आपको 10% ऑफ मिलेगा जिस जिस पे भी आप मेरा ये कोड अप्लाई करेंगे. गाइज, यू कैन गो टू ilezim.com एंड चेक आउट देयर अमेजिंग डील्स. इनकी काफ़ी चीज़ों पे डिस्काउंट चल रहा है और अगर आप मेरा कोड FH10 यूज़ करते हैं आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल दिस ब्रश सेट, यू कैन गेट इट फॉर ओनली ₹28.35 जबकि उसकी ओरिजिनल प्राइस ₹3500 है. सो यू आर गेटिंग सो मच डिस्काउंट. Now talking about this deal, this is my deal. This is called the deal FH. Is deal ki original price ₹3300 hai, but if you use my code FH20, you'll get a 20% discount. Isme you get a foundation, a glow serum and a lip color of your choice. And this deal on their page is called the FH deal. So if you like it, do check it out. This is about it. I hope you liked this video. Found it useful. Aapki koi bhi questions hai inke products se related, ask me in the comment section down below. I will try my best to answer as soon as possible. I think it's time for me to say bye bye. You guys take good care of yourselves and don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to my channel, leave your comments in the comment section down below. I will see you guys in my aage ki videos. That's about it guys. So Allah Hafiz, see you and bye bye.